सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपने एक नॉर्मल पिक को, जैसे ये है, इसको आप कुछ एडिट करके कुछ इस टाइप में कैसे बना सकते हो, या फिर अपने फ़ोटो में इस टाइप का कैसे टोन दे सकते हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने फ़ोटो को लाइट रूम में ओपन कर लेते हैं और वहाँ पर हम लोग आगे की प्रोसेस देखते हैं कैसे एडिट करना है, कैसे क्या। और अगर आपको इसका प्रीसेट चाहिए तो वीडियो में कोड रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक रहेगा, वहाँ पर जाके आप वो कोड एंटर करोगे पासवर्ड के फॉर्म में, तो आप फिर प्रीसेट एक्सेस कर पाओगे और आप भी यूज़ कर पाओगे प्रीसेट को। तो आगे की प्रोसेस देखते हैं कैसे एडिट करना है। और उसके बाद हम लोग जाएंगे कर्व टूल में और यहाँ से हम लोग ये जो वाइट बॉक्स दिख रहा है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग तीन डॉट क्रिएट करते हैं। ये कुछ इस टाइप से हम लोग कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट वाला दिख रहा है आपको, ये होता है हाइलाइट्स का। अगर आप इसको ऊपर कर रहे हो तो ये हाइलाइट्स में चेंजेस आ रहे हैं, अगर ऊपर नीचे कर रहे हो तो ये हाइलाइट्स का है, और ये जो सेंटर पे है ये मिड टोन का है। अगर आप इसको ऊपर कर रहे हो तो मिड टोन में चेंजेस आ रहे हैं, और ये नीचे कर रहे हो तो मिड टोन पर ही आएंगे बस। और ये जो लास्ट का है ये शैडो का है, अगर आप इसको ऊपर करते हो तो शैडो हाईलाइट होगा, इसको नीचे करोगे तो डार्क होगा। यहाँ से मैं जो सेटिंग अपने फ़ोटो में करने जा रहा हूँ, तो आप लोग अपने फ़ोटो के हिसाब से चेंज कर सकते हो, क्योंकि सबकी फ़ोटो अलग अलग लाइटनिंग कंडीशन में सूट होती हैं। और आप लोग कोशिश करो हमेशा अपनी फ़ोटो हल्का डार्क में क्लिक कराने की। अगर आपको एडिट अच्छे से आता है तो आप उसको और भी अच्छा बना सकते हो। तो आप लोग अपनी फ़ोटो की लाइटनिंग कंडीशन के हिसाब से आप अपनी सेटिंग अलग भी रख सकते हो। और यहाँ पर मैं कुछ पर्टिकुलर सेटिंग रखूँगा इस फ़ोटो के लिए। इतना कंप्लीट होने के बाद हम लोगों को इसके बाद जाना है सिलेक्टेड टूल में, और ये टूल को यूज़ करना मत भूलना। यहाँ पे जाके हम लोग ब्रश का ग्रेडियंट यूज़ करेंगे और यहाँ से हम लोग अपने जितने भी स्काई है वहाँ पे हम लोग पेंट कर लेंगे। Why did I do this?
अच्छा लगता है और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग उनके सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगले वीडियो जल्दी आएगी 2 दिन में।